हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई डिश बनाएंगे, तवा बर्गर। बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी कुछ नया खाने का मन करता है, तभी हम ये डिश तवा बर्गर बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं तवा बर्गर। तवा बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बर्गर ब्रेड और साथ में मेयोनीज, 2 चीज स्लाइस और 1 चीज क्यूब ली है, और साथ में 2 प्याज, 1 कैप्सिकम, 1 टमाटर बारीक टुकड़ों में काट के लिया है, 50 ग्राम पनीर और 1 हरी मिर्ची, इसे भी बारीक टुकड़ों में काट के लिया है, साथ में 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून बटर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई लहसुन की पेस्ट, 2 टेबल स्पून सेजवान चटनी और साथ में हरा धनिया लिया है। बर्गर बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर गरम होने के बाद उसमें पीसी हुई लहसुन की पेस्ट डालेंगे और साथ में हरी मिर्ची डालेंगे। इसे सौते करेंगे और साथ में प्याज भी डालेंगे। सारे प्याज एकदम से डालने हैं, इसे ज्यादा सौते नहीं करना है, 1 से 2 मिनट ही सौते करेंगे। थोड़ा प्याज को क्रंची रहने देना है। सौते किए प्याज में हम कैप्सिकम डालेंगे और साथ में टमाटर डालेंगे, इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। सौते किए प्याज और सब्जी में हम सारे मसाले डालेंगे। पहले हम नमक डालेंगे, साथ में लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, टोमेटो केचप डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना मेयोनीज डालेंगे और 1 टेबल स्पून जितना सेजवान चटनी डालेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद उसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर को भी अच्छी तरह मसाले के साथ सौते करेंगे। स्टफिंग हमारा बनके तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और कद्दूकस किया हुआ चीज डालेंगे, इसे भी हम स्टफिंग में मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को हम 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम बर्गर बनाने लेंगे। बर्गर ब्रेड के हमने इस तरह 2 टुकड़े करके लिए हैं। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद ऊपर से चीज स्लाइस रखेंगे, इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तवा बर्गर बनाने के लिए हमने तवा गरम करके लिया है, उसमें बटर डालेंगे और 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सेजवान चटनी डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। मसाला अच्छी तरह सौते करके लेंगे। इसमें हम चारों ओर से बर्गर को भी मसाला लगा के लेंगे। मसाला लगने के बाद बर्गर को हम चारों बाजू से सेक लेंगे। बर्गर हमारा बनके तैयार है। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बर्गर हमारा बनके तैयार है, इसे हम खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।